फ्रेंड्स, मैं तोहिद अंसारी, ATS चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं नानी दाव, जो कि मैसाना के पास पड़ता है। तो यहाँ से पालनपुर, पालनपुर से सिद्धपुर, सिद्धपुर से ऊंझा और उसके बाद नानी दाव। तो आइए दोस्तों, निकलते हैं नानी दाव के लिए। सबसे पहले करेंगे MT को साफ और उसके बाद निकलेंगे नानी दाव। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको कर देते हैं साफ, ये गंदी हो रखी है। एक रात में तो ये पता नहीं कैसे हो जाती है। बड़ी बड़ी धूल लगती है इसमें। तो निकलते हैं घर से अभी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ये हमारी सोसाइटी का गेट है और गेट से हम बाहर निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी 9:47 और हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। और मौसम की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि दोस्तों, हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और अभी उस टाइप की गर्मी नहीं है, लेकिन हाँ, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी फुल गर्मी, क्योंकि अभी तो सुबह के 9:45 रहे हैं। तो 9:45 तो उस टाइप की गर्मी लगेगी नहीं, हाँ, लेकिन 11:12 बजते गर्मी अपने पीक पर आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं ओवर ब्रिज पर पालनपुर के, और आपको ट्रैफिक थोड़ा बहुत नज़र आ ही रहा होगा। देखिए, पालनपुर का ओवर ब्रिज है और ट्रैफिक थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। और देखो इसको कैसे चला रहा है, तो पीछे को बच्चे को बिठा रखा है और ऊपर से ऐसे लहर आ रहा है, मतलब कि जैसे कि खुद तो गिरेगा, बच्चे को भी गिराएगा। क्या लेना होता है इतने, मतलब इतने ऐसे कट मारने की क्या ज़रूरत होती है, समझ में नहीं आता। मतलब लहरा रहा है, इधर से इधर घुस रहा है, इधर से इधर घुस रहा है, भाई आराम से चल, क्या मतलब इतनी क्या जल्दी है। कौन से तुम नासा में जॉब कर रहे हो कि तुम्हारी मतलब स्पेस शटल छूट जाने वाली है, नहीं पहुंच पाओगे तो। स्पेस में जाने वाले और स्पेस शटल तैयार खड़ा है और तुम नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारा स्पेस शटल छूट जाएगा। अरे भाई आराम से चल ले भाई, खुद भी ठीक रहेगा, दूसरे को भी ठीक रखेगा। क्या बोले आदमी, बोलने जैसा होता ही नहीं है। कट पे कट मार रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर लहरा रहा है, गिरेगा तो मुंह में दांत नहीं रहेंगे। देखो यहाँ ऑटो वाला का देखो, कितनी ऑटो है यार, क्या बोलूँगा अभी। ऑटो वाले फिर वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि जब देखो तब मेरे बारे में ही बोलता रहता है। और देखिए यहाँ पे जूते मिल रहे हैं फुटपाथ पे, काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है दोस्तों, डेली यूज़ के लिए काफ़ी सही है। अगर आप डेली यूज़ के लिए पहनना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे शूज़ हैं वो। देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं, पीछे भी मिल रहे थे, तो काफ़ी अच्छे शूज़ हैं डेली वेयर के लिए, क्योंकि आप 2,000-2,500 के जूते डेली वेयर करके और ऐसे फील्ड में नहीं घूम सकते हो दोस्तों, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे चल रहा है काम, आपको दिख रहा होगा, तो उसकी वजह से और ट्रैफिक जाम है। देखिए ये पूरा काम चल रहा है और JCB बैग लगा रहा है भाई, आराम से भैया, आराम से आराम से, हाँ जा रहे ढूंढू सभरिया, ये सब रात को करना चाहिए, तो दिन में लगे रहते हैं। पता है कि इतना ट्रैफिक वाला रोड है। फिर भी मतलब दिन में लगे पड़े। सामने आपको दिखेगी आर्मी की जिप्सी और ये है आर्मी के जवान। तो पहुंच चुके हैं दोस्तों अभी हम एरोमा सर्कल, जो कि पालनपुर का फेमस और काफ़ी नामचीन सर्कल, मतलब एरोमा सर्कल।
और ट्रैफिक का तो मैं डेली बताता ही रहता हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है ट्रैफिक तो यहाँ की पहचान है। अगर ट्रैफिक ना हो तो पता कैसे चलेगा कि आप एरोमा सर्कल पहुँच चुके, तो वो यहाँ की पहचान है। और ऊपर आपको बोर्ड दिखेगा शिव धारा वाटर पार्क पालनपुर, तो चलना है दोस्तों यहाँ पे। ऐसे तो मैं जा के आया हूँ बट एक बार चलेंगे व्लॉग शूट करने। और आज थोड़ा कम ट्रैफिक दिख रहा है, देखिए मेरे राइट साइड में आपको ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, मतलब गाड़ियाँ चल रही है आराम से सब, तो ट्रैफिक नहीं है तभी तो चल रही है। और हमारे रोड पे आज थोड़ा ट्रैफिक जैसा दिख रहा है, इतना मतलब गाड़ियाँ नहीं होती हैं। ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है। और दोस्तों कमर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, अब तीन दिन से बाइक के झटके लगे हैं या क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों एक चीज़ है, ट्रस्ट मत करो कभी किसी भी, जो वो तुम्हारे पीठ पीछे गलत होता ही रहता है, तुम कितना भी मतलब वो कर लो। और एक बात है कि दोस्तों अगर तुमने किसी को बदलना चाहा वो नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं बदलता दोस्तों, क्योंकि वो फितरत होती है इंसान की, जो एक फितरत होती है ना, एक मतलब बचपन से जो वो कर रहा होता है उस चीज़ों को वो छोड़ ही नहीं पाता है, उन सब चीज़ों को वो छोड़ ही नहीं सकता है, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो। वो तुम्हारे सामने ना करे तो पीठ पीछे कर लेगा, बट करेगा वो। तुम ये गलत फहमी में जी रहे हो कि नहीं कर रहा है कोई कुछ, तो वो गलत है, आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। गलतफहमी में जियो ही मत ऐसी, जो गलतफहमी पाल लेते हो ना दोस्तों आप लोग कि नहीं मेरे वाला या मेरी वाली ये है वो सब कुछ नहीं होता है दोस्तों, सब बातें हैं सिर्फ, सब कहने के लिए बातें हैं बस, और कुछ नहीं होता है। चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर लो, ज़्यादा वो मत रखा करो दोस्तों, क्योंकि नहीं होता, कुछ नहीं होता दोस्तों, ये सब समझ में आ गया था। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं अभी आगे, फ्यूल भरवाएंगे और फ्यूल भरवा के फिर चलेंगे आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो करता हूँ फ़िलहाल कैमरे को ऑफ और मिलते हैं फ्यूल स्टेशन पर दोस्तों। पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं और पुलिस का इंतज़ाम पूरा भरपूर लगा रखा है, लेकिन कोई बड़े नेता निकल रहे हैं यहाँ से, पता नहीं कौन आ रहा है, पता नहीं अभी, बट जिस तरीके का इंतज़ाम है उससे लग ही रहा है कि कोई बहुत बड़े नेता आ रहे हैं अभी, अभी इस टाइप का इंतज़ाम होता है। और ये देखिए पानी निकल रहा है टैंकर में से, और जो तो चैन वॉश करनी पड़ेगी, काफ़ी आवाज़ कर रही है अब, खचर 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 खचर, दिमाग ख़राब हो रहा है, टाइम हो चुका है इसका चैन वॉश करने का। और शोरूम में भी चलना है, बाइक का बैटरी ख़राब हो गया था, देखिए दोस्तों एम्बुलेंस आ रही है तो इसको रास्ता दे देते हैं, इसको रास्ता पहले दे दो, फ्यूल भरवा लेते हैं सबसे पहले, फ्यूल भरवा के फिर चलेंगे आगे की ओर। फ्यूल लेना ज़रूरी है तो यहाँ से फ्यूल ले लेते हैं और फ्यूल लेके फिर चलेंगे आगे की ओर। चलते हैं आगे की ओर फ्यूल लेके, हाँ हाँ
क्या बोल? हाँ तो दोस्तों अभी हमने फ्यूल भरवा लिया और चलते हैं अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सिद्धपुर, और ये सिद्धपुर का पहला सर्कल जिसको बोलते हैं काकोसी चार रास्ता, पहुंच चुके हैं अभी। और यहां से फिर अभी हम देथड़ी, उसके बाद फिर एक और है, क्या नाम है उसका, तो से कुछ तावड़िया सर्कल। और देखो यहाँ पे मेला आया है, आपको दिख रहा होगा, देखिए मेला लग रखा है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको सर्कल के बारे में, तो देथड़ी सर्कल, तावड़िया सर्कल नहीं, पहले तावड़िया आता है, उसके बाद देथली आता है, और उसके बाद फिर खड़ी सर्कल आता है। तो अभी जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये सामने सर्कल, तो ये तावड़िया सर्कल है दोस्तों, इसको बोलते हैं तावड़िया सर्कल। कौन सा सर्कल दोस्तों? तावड़िया सर्कल। और इसके बाद जो आएगा वो देथली आएगा, देथली सर्कल आएगा दोस्तों इसके बाद जो आने वाला है। तो ये अभी हमने तावड़िया क्रॉस किया, और इसके बाद आएगा वो देथली आएगा, देथली, देथली, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आएगा खली सर्कल, खली, एक्चुअली गुजरात में वो खड़ी है, लेकिन जब हम उसको हिंदी में बोलते हैं तो वो खली हो जा रहा है, वो खड़ी है, खड़ी सर्कल, और जब उसको हम लिखते हैं तो वो खली लिखा जाता है। अगर इंग्लिश में आप स्पेलिंग करोगे उसका तो खली सर्कल हो जाता है वो। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो सर्कल आया ये है देथली। कौन सा? देथली। देखिए चलते हैं अभी आगे, और जंप अहेड हमको दिखा नहीं, खड्डा था, ढबुक से का अंदर गिरे, ऐसे गिरे ढबुक से का। यह है बिंदु सरोवर, बिंदु सरोवर आ चुके हैं, और उसके बाद अब आएगा खड़ी सर्कल। देखिए यह है बिंदु सरोवर, यही है सबसे बड़ा शमशान घाट, आपको दिख रहा होगा, और जस्ट बगल सरस्वती नदी के बगल में ही है, आगे सरस्वती नदी है, तो उस टाइम में ये नदी बहती होगी तभी यहाँ पे बना है, बट अब तो नदी बहती ही नहीं है, पानी आता ही नहीं है कभी, मैंने तो कभी इसमें पानी देखा ही नहीं है दोस्तों, इसमें पानी चल रहा हो कभी। बारिश बारिश के मौसम में शायद, वो भी ज़्यादा बारिश हो तब जाके कहीं यहाँ पे पानी आएगा, बाकी तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कभी पानी आएगा, पूरा सूखा पड़ा रहता है ये नदी हमेशा। देखिए ये नदी जो आपको दिख रही है ये है सरस्वती नदी, गुजरात की सरस्वती। और अहमदाबाद में वो साबरमती, तो ये कन्फ्यूज़न ना हो, ये जो सिद्धपुर में वो सरस्वती है, और जो अहमदाबाद में नदी है वो साबरमती है दोस्तों, उसमें पानी भरपूर रहता है हमेशा, उसी पर तो रिवर फ्रंट है पूरा, तो वहाँ पानी पूरा रहता है हमेशा, वो साबरमती नदी है और ये सरस्वती है। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं खड़ी सर्कल, और ये है सामने आपको दिखेगा खड़ी सर्कल, यहीं से आप पाटन जा सकते हैं दोस्तों। पाटन अगर आपको जाना है तो यहाँ से आपको राइट लेना पड़ेगा, राइट लेके यहाँ से जाएंगे तो पाटन यहाँ से अब 30 किलोमीटर रहता है दोस्तों, ये सीधा यहाँ से आपको पाटन लेके चला जाएगा रास्ता। तो दोस्तों अभी हम ऊंझा के ओवरब्रिज पर हैं, और ये क्रॉस होने वाला है दोस्तों, देखिए आपको दिख रहा होगा ये है ऊंझा का ओवरब्रिज, और उसके बाद आएगा दोस्तों हमारा लोकेशन नानी दाऊ। कौन सी दाऊ? नानी दाऊ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नानी दाऊ, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है ये है नानी दाऊ, और आज का हमारा डेस्टिनेशन यही था, तो पहुंच चुके हैं दोस्तों अभी नानी दाऊ,
तो सबसे पहले काम ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।